कान जरा बताएं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास आपको पता है कि लेक्चर 2 से रिलेटेड है, जिसमें हमने कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स को डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, लेक्चर 2 से रिलेटेड आज का हमारा जूम सेशन है, और आप लोगों ने लेक्चर यकीनन सुना होगा, तो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई कंफ्यूजन या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। दी हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी मिस फरवा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने अपने लेक्चर में बोला था कि जब मिलिट्री टेक ओवर करती है तो इकोनॉमी जो है वो मतलब अच्छी जाती है कंट्री की, लेकिन सर हमने तो सुना हुआ है कि जब मिलिट्री टेक ओवर करती है और मतलब डिक्टेटरशिप आ जाती है तो कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है, तो फिर जब डेवलपमेंट रुक जाता है तो इकोनॉमी कैसे इंक्रीज हो सकती है? जी देखें, एक तो उसका मैं बड़ा आपको जनरल आंसर करता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूँ। देखें, जनरली हमारे पास एक सब्जेक्ट है, बल्कि इकोनॉमिक साइंसेज में वन ऑफ द कम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट समझा जाता है, उसका नाम है जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसमें हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं डिक्टेटरशिप की थेरीज, और वहाँ पे हम ये थेरी जो है, ये बहुत सारी थेरीज हैं, ये प्रूव भी करती हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रैशनल जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिक्टेटरशिप में होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग या इतनी इफेक्टिव नहीं होती, चले आप इसको इस तरह से भी समझ लें, इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी इफेक्टिव डिक्टेटरशिप के अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री का आपने जैसे अभी बात की कि उसमें डेवलपमेंट नहीं होती, तो आप अगर पाकिस्तान के हिस्टोरिसिस देखें, यानी हिस्ट्री का इम्पैक्ट देखें इकानमी के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो डिवेलपमेंट हुई है वो मिलिट्री टाइम पीरियड में हुई है। वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन बात यहाँ पे परफॉर्मेंस की हो रही है। यानी आप अगर इवन डैम्स को उठा लें तो जितने भी डैम्स हैं ये सारे के सारे मिलिट्री टाइम पीरियड में बने हैं, मिलिट्री टेन्योर में बने हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियल सेक्टर को देख रहे हैं, जितना भी पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम आपको आज नजर आ रहा है, जितना भी पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन आपको जो नजर आ रहा है, ये सारा का सारा परवेज मुशर्रफ के रिजीम में था। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर को आप देखें, पाकिस्तान में जितने भी बैंक थे वो सारे इस टेन्योर में जो थे वो पाकिस्तान के अंदर आए, कुछ गए भी, लेकिन मिलिट्री जो है ना उससे हमेशा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। हमेशा मिलिट्री के आने से जो है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी खत्म हुई है। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो अनार्की की सिचुएशन हो जाती है। अनार्की की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में फिक्स्ड या फ्लोटिंग एसेट, टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है फॉरेन कंट्रीज की तरफ से। जारी बात है, जब भी कोई कंट्री इनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इंस्टेबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ा ठीक है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म बड़ा इम्प्रूव है, तो उससे क्या होगा, उससे फिर पाकिस्तान की जो सर्विसेज सेक्टर है और उसमें पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज है,
तो ये सारी चीजें जो हैं ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं, और ये इम्प्रूव होती भी रही हैं। ये इनके जो पैटर्न है ना स्टॉक मार्केट के, फाइनेंशियल सेक्टर के, वो पैटर्न गुड न्यूज और बैड न्यूज के ऊपर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखें, तो वो मिलिट्री टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का इम्प्रूव हुआ। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा क्रिएट की, पंजाब के अंदर भी और आउट ऑफ पंजाब भी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं ये इन्होंने बनाई। आप खुद देखें कि परवेज मुशरफ की रजीम में, या आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी परवेज मुशरफ ने बनाई, उसके बाद इसकी लैंड जो है उसने एक्वायर करवाई सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, और इसके साथ आप देखें पाकिस्तान में HEC को जो है वो रीइंस्टेट किया, रीस्टैब्लिश किया, रीस्ट्रक्चर किया, ये परवेज मुशर्रफ ने किया। ठीक है, बल्कि HEC का नाम ही मुशर्रफ ने सजेस्ट किया था, हायर एजुकेशन कमीशन। इसका पहले नाम होता था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की बहुत सारे कॉलेजेस थे जिनको यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ये परवेज मुशर्रफ ने ही दिलवाई थी, जिनमें लेट सपोज ये वुमेन यूनिवर्सिटीज हैं, किनेड कॉलेज है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिसमें मेडिकल कॉलेजेस भी आ जाते हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, ठीक है, टनल्स बनी, रोड्स बने, डैम्स बने, ये सारी मिलिट्री टाइम पे ही बनती है। तो मिलिट्री टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, लेकिन हाँ वो सूट करता है या नहीं करता हमारी डेमोक्रेसी को, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। ये इसका ताल्लुक जो है ना वो इस तरह से नहीं हम कह सकते इकोनॉमिक्स के अंदर। हमने तो इकोनॉमिक्स में ये देखना है कि किसकी मौजूदगी में क्या जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इकानमी की मूवमेंट क्या है, वो रिसेशन में है, वो डिप्रेशन में है, वो रिकवरी की तरफ जा रही है, वो बूम की तरफ जा रही है। मुझे क्लियर है। और दूसरा मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि आपने ना कुछ वैल्यूज निकाली थी, जैसे आप बता रहे थे कि वो डेंसिटी रेट हमने निकाला था, तो उसके बाद सर आप उन्हें 2010 से कंपेयर कर रहे थे, तो एक मैंने ये पूछना था कि हम उन्हें 2010 से क्यों कंपेयर करते हैं। और दूसरी सर आपने एक FBS रिपोर्ट की, कोई अर्बन रूरल एरिया से आप कह रहे थे हम डेटा सेट कलेक्ट करेंगे फिर उसको हर 20 मार्केट के हिसाब से, तो मतलब मुझे उस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी थी, तो मैंने पूछना है कि वो क्या था मतलब मुझे। और सर ये मतलब आपके साइड से बड़ा शोर आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा ना समझने में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अभी आ रहा है सर, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, उससे पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन ठीक है अब ठीक। अच्छा देखें, आपने दो चीजें पूछी हैं, एक तो आपने पूछा है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो क्या मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म की बेसिस पे प्राइसेस डिटरमिन होती है, इन्फ्लेशन डिटरमिन होती है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता रहा था, और मैंने बड़े डिटेल में बताया था कि किस तरह से मुख्तलिफ सिटी से, रूरल सिटी से, अर्बन एरिया से, सब अर्बन एरिया से जो है वो 489 प्रोडक्ट्स का डेटा सेट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा किसी एक जगह से या किसी एक सिटी से ही क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का डेटा किसी एक मार्केट से ही ले लें तो वो डेटा बाइस्ड हो सकता है। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बाकी मार्केट के अंदर कम हो और जिस मार्केट से आपने पता किया वहाँ पर उसकी प्राइस हाई हो, या ये भी हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट का डेटा या प्राइस आपने जिस मार्केट से पिक किया वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो लो हो और बाकी मार्केट में उसकी प्राइस हाई हो। तो अब ओवरऑल डिसीजन कहाँ से होगा? ओवरऑल डिसीजन तो वहाँ से होगा ना जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया। तो अगर आपने डेटा लो मार्केट से कलेक्ट कर लिया और एक्चुअली डेटा जो है वो एक्चुअली हाई है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिजल्ट होंगे वो स्पूरियस हो जाएंगे, यानी रिजल्ट आपके फेक हो जाएंगे, वो रिजल्ट मिसलीडिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, एक ही प्रोडक्ट का मुख्तलिफ मार्केट से, यानी कम से कम 20 मार्केट से डेटा कलेक्ट किया जाता है।
और फिर उस डेटा सेट को कंपाइल किया जाता है, ताकि वो डेटा सेट जब कंपाइल हो तो फिर ट्रू पिक्चर पता चले कि प्राइसेस जो हैं वो एक्चुअली इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं या कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है। और दूसरी बात ये है कि वो रूरल एरिया से किया जाता है, अर्बन से क्यों नहीं किया जाता? तो उसकी रीजन ये है कि अगर आप खाली रूरल से कलेक्ट करेंगे तो जारी बात है डेटा तब भी मिसलीडिंग होगा, खाली आप अर्बन से करेंगे तो इसका मतलब है आप इन्फ्लेशन सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेशन तो पूरे कंट्री के लिए देखनी चाहिए ना। इसलिए हर एरिया से, हर मार्केट से, और कम से कम एक प्रोडक्ट की 20 मार्केट से डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। एक तो ये आपका जवाब हो गया, आई थिंक के आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि 2010 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा ना एक बेस ईयर होता है। जब भी हम कोई चीज कंपेयर करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, उसका हमें एक बेस ईयर लेते हैं, यानी कंपेरिजन ईयर लेते हैं कि फला चीज जो है वो उसके मुकाबले में इतनी है, उसके मुकाबले में इतनी है, यानी 2018 2010 के मुकाबले में इतना है, 17 10 के मुकाबले में इतना है, 2016 2010 के मुकाबले में इतना है, इतनी वैल्यू उसकी आई है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है या जीडीपी है। ठीक है, तो इसलिए कंपेयर किया जाता है ताकि हमारे पास कंपेयरिंग यूनिट सेम हो। ठीक है, और उसकी एक और रीजन भी ये होती है कि ईयर वो सिलेक्ट किया जाता है जिस ईयर के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी उस ईयर में अर्थक्वेक ना आया हो, उस ईयर में फ्लड्स ना आए हो, उस ईयर में गवर्नमेंट में मैसिव चेंज ना आया हो, उस ईयर में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ना चेंज हो गई हो, यानी बड़ा एक स्मूथ ईयर जो है, एक बड़ा नॉर्मल ईयर जो है वो पिक किया जाता है, ताकि हम कंपेयर करें कि एक नॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो है वो चीजें किस तरह से मूव करती हैं। स्टूडेंट्स अजान मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन करना था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स वाले हमें पॉइंट्स बताए थे उसमें आपने मतलब जैसे हमने लेक्चर सुना था तो हमें पता चल रहा था कि जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट है उससे कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में। लेकिन सर ये जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट थी इसमें आपने बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो अगर तो वो सेल हो जाता है तो वो या तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में फॉल होता है या हाउसिंग की। तो सर अगर तो वो मतलब सेल हो रहा है तो ठीक है मतलब कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन अगर वो सेल ही नहीं होता तो वो हो जाएगा स्टॉक में। तो अगर वो स्टॉक में जाता है तो फिर फायदा क्या है उसका, वो तो फिर उसका नुकसान ही है ना। तो मतलब इसका क्या फायदा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल है इसका इकोनॉमी में अगर तो इसमें सेलिंग नहीं होती। और दूसरा सर मैंने आपको ये कहना था कि आपने कहा था कि जब हम लोग हाउसिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान में हॉरिजॉन्टल तरीके से होती है तो उससे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन उससे एसोसिएटेड है तो वो तो फिर नुकसान होगा। लेकिन सर साथ ही साथ आपने वीडियो में ये भी बताया था कि वैसे भी तो हमें एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उससे एज सच इतना ज्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है इकोनॉमी में, तो फिर क्या ये बेहतर नहीं है कि एटलीस्ट एक तरफ हो तो रही है ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दूसरी तरफ से तो ग्रोथ रेट वो ही है मतलब काफी ज्यादा कम है सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर होने के बावजूद भी। तो सर ये दो क्वेश्चन है मेरे। जी ठीक है। अच्छा देखें बात ये है कि सबसे पहले आपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो स्टॉक जो है ये एक इन्वेस्टमेंट है, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली जब वो फ्यूचर टाइम पीरियड में या नेक्स्ट सीजन में, नॉर्मली स्टॉक इस वजह से होता है सीजन्स के चेंज होने से, यानी क्लाइमेट चेंज होने से, एनवायरनमेंट के चेंज होने से कुछ चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उसकी रीज़न फैशन भी हो सकती है, उसकी रीज़न टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, जब ये चीज़ें चेंज होती हैं ना, या एक और रीज़न हो सकती है कि सप्लायर ने या प्रोड्यूसर ने मार्केट को एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं किया, उसने फोरकास्ट नहीं किया कि उसकी प्रोडक्ट में मार्केट में एक्चुअली कितनी डिमांड है, तो ये इरेशनल बिहेवियर की वजह से के या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से, यानी उसको इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी किसी चीज की, जो कि लॉजिकल कन्विंसिंग बात है इरेशनल बिहेवियर,
इन सारी वजूहत की बुनियाद पे, यानी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी द इंफॉर्मेशन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन द इम्बैलेंस इंफॉर्मेशन की वजह से, या टेस्ट फैशन प्रेफरेंसेस टाइम पीरियड और इन सारे फैक्टर्स की वजह से जब वो फोरकास्ट नहीं कर पाता तो कुछ चीज़ें मार्केट में सेल नहीं हो पाती, अब वो चीज़ें स्टॉक में चली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर सर्विसेज क्रिएट नहीं हुई, उस प्रोडक्ट को बनाने में एक सर्विसेज क्रिएट हुई हैं, यानी जिसने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है जारी बात है उसे सैलरीज और वेजेस मिलेंगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया है तो वो अखराजात भी प्रोड्यूसर जो है वो यूटिलिटी बिल्स की मदद में पे करेगा, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करने में जो एक्सपेंडिचर आए हैं वो एक्सपेंडिचर एक एंटरप्रेन्योर ने पे बैक करने हैं, तो ये सारे अखराजात जो आते हैं इन सारे अखराजात के ऊपर एक सर्विसेज क्रिएट हुई हैं, तो जैसे जैसे सर्विसेज क्रिएट होती चली जाएंगी इकोनॉमी को बेनिफिट होता चला जाएगा, तो हम क्यों ना कहें कि स्टॉक भी जो है वो जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि अकाउंटिंग के किसी स्टूडेंट को आप देखेंगे ना, हालांकि ऑल्दो अकाउंटिंग ना आपकी फील्ड है ना मेरी फील्ड है, अगर आप अकाउंटेंट्स को देखेंगे ना तो वो जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं या वो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट पे वो सबसे पहली चीज जो लिखते हैं एसेट वाली साइड पे वो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक जो होता है ना ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर सर्विसेज क्रिएट हुई हैं, इसका बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है, जाहिर बात है वो हाँ उस वक्त बेनिफिट नहीं होगा अगर वो प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएंगी, अगर वो खराब हो जाएंगी तो फिर उसका इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसे कोई नहीं खरीदेगा, अगर वो स्पॉइल्ड नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो उसका बेनिफिट जो है वो फ्यूचर टाइम पीरियड में आज नहीं तो कल प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। लेकिन रिकॉर्ड इसलिए किया जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉर्ड इसलिए किया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर सर्विसेज क्रिएट हुई हैं और सर्विसेज जो है वो इकोनॉमी में जब इंजेक्ट होंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे यकीनन आएगा। और दूसरा आपने जो सवाल किया था वो एग्रीकल्चर के हवाले से किया था। देखें एक चीज सबसे अहम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने सुना भी और उसे समझा भी, लेकिन सबसे अहम चीज जो आप भूल रही हैं यहाँ पे वो ये नहीं है कि हमारा 19% जो है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी इकोनॉमी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसोसिएटेड है, ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर के साथ। तो अगर चाहे उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, चाहे उसकी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से भी कम है, चाहे उसकी कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से भी कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपकी 70% वर्क जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज पॉपुलेशन उसकी डिपेंडेंस है इस सेक्टर के साथ। तो अगर आपने एग्रीकल्चर को की जगह पे आपने हाउसिंग इन्वेस्टमेंट को लॉन्च कर दिया तो उससे वो 70% लोग जो है वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो वो जो डिपेंडेंस है ना ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको जो है वो नहीं किया। और दूसरी बात ये कि अगर आपने, मैंने उसी लेक्चर में ये भी कहा था कि अगर आपने हाउसिंग इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो क्यों ना आप वर्टिकल इन्वेस्टमेंट करें बजाय आप हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट करने के। देखिए ना हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये जो आपकी सोसाइटीज और कॉलोनीज बनती चली जा रही हैं और वो हॉरिजॉन्टली और मैसिव लेवल के ऊपर एक्सपेंड हो रही हैं, तो वो एक्सपेंशन को आप थोड़ा सा स्टॉप करें, ठीक है, उसको आप वर्टिकल एक्सपेंशन में ले आए, यानी आप उससे बिल्डिंग्स बनाएं बजाय ये कि 1000 फैमिलीज हॉरिजॉन्टली जब वो आबाद होगी, ठीक है, तो वो कितनी जगह को कवर करेगी, और वही 500 फैमिलीज को जब आप एक बिल्डिंग में ले आएंगे, ठीक है, तो आप वो वर्टिकली उनको आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उससे आप देखें ना जमीन का भी फायदा हो जाएगा और आपकी जो है वो आपकी आप लैंड को भी इफेक्टिवली यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको डे वन से मैंने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि हाउसिंग इन्वेस्टमेंट से आप बेनिफिट सिर्फ वन टाइम बेनिफिट ले सकते हैं, जबकि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट से आप मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए आप उसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपको समझ लग गई है मिस फरवा दोनों क्वेश्चंस की?
सर आपने लेक्चर के शुरू में बताया था कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स एक ही हैं, एक ही सेंसेस में ही आते हैं। सर ये कैसे एक सेंसेस में हम कैसे एक कंसीडर कर सकते हैं एक चीज? हाँ, साइंसेस में कंसीडर नहीं करेंगे, साइंसेस और होती हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज और होती हैं। और एक चीज इसलिए है क्योंकि आर्ट्स का कंसर्न जो है वो ह्यूमंस के साथ है, ठीक है, ह्यूमंस के साथ है, उसमें जिसमें रिपीटेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है। यानी अगर एक ह्यूमन एक ऑटोमोबाइल को या एक कार को या एक मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहा है तो हम उसे साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वो एक ही नॉलेज को रिपीट कर रहा है, बात समझ रहे हैं, इसलिए उसे साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, हम उसे मैकेनिक कहेंगे, ठीक है। मैकेनिक भी कह सकते हैं, आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, और इसका वन वे और दी अदर वे जो कंसर्न है वो ह्यूमंस के साथ है, ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ है और मैकेनिकल ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ है, तो इसलिए ये इस कैटेगरी में फॉल करता है। और ये जो वर्ड है ना आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मैंने ये पूछना था कि आपने कहा कि वर्टिकल एक्सपेंशन ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, तो सर मैंने उसमें ये पूछना था कि जैसे अब डिजास्टर्स हो जाते हैं कंट्रीज में, मतलब जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो उससे जब डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो उसके बाद जब गवर्नमेंट को सारा कुछ सेटल वगैरह करना होता है तो उसमें भी इकोनॉमी यूज होती है, तो अगर वर्टिकली एक्सपेंड हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं वो ज्यादा किस चीज पर इफेक्टिव होते हैं या इक्वली ही होते हैं? देखें, बात पता क्या है, ये तो अब पाकिस्तान में तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट क्या हो। देखें, लैंड एंड बिल्डिंग की भी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमीज को, वर्ल्ड डेवलप इकोनॉमीज को देखें, ग्लोबल इकोनॉमीज को आप देखें, तो वहां पे हर लैंड एंड बिल्डिंग की एक एक्सपायरी डेट होती है। पाकिस्तान में तो चीजें बन जाती हैं, तो वो जब बन जाती हैं उसके बाद तो वो जब गिरती हैं तो खुद ही गिरती हैं, और तब उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, चाहे आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो मसलन एक बिल्डिंग है, उसकी जो लाइफ है वो 50 ईयर्स है, तो 50 ईयर्स तक तो इसका मतलब है कि उसे कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, हादसा होना हो तो वो हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, उसमें नेचुरल कलेमिटीज आ सकती हैं, उसमें अर्थक्वेक आ सकता है, तो लेकिन वो अर्थक्वेक भी ज्यादा इफेक्ट किसे करेगा? उस बिल्डिंग को करेगा जिसकी एज 50 ईयर है, या उसकी करेगा जो 150 साल से बनी हुई है? जाहिर बात है जो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, जो जिसको गिरा के दोबारा बना लेना चाहिए था और वो 100 साल से नहीं बनी हुई, तो जाहिर बात है वो जल्दी जो है वो कलेप्स कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए, और अगर वो उसकी लाइफ 50 ईयर्स है और वो 50 ईयर तक तो मेरा ख्याल है कि उस पर नेचुरल कलेमिटीज अर्थक्वेक वगैरह जो है वो इतना उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर हो जाए तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल कलेमिटीज जो है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, कुदरत के आगे इंसान बेबस है, तो वो उस वक्त तो फिर जारी बात है वो मसाइल होते ही होते हैं। अदरवाइज आप भी देखें, ये रिसेंटली एक वाकया हुआ इधर लाहौर में, आपने देखा होगा कि एशिया की दूसरी बड़ी मार्केट है हफीज सेंटर लाहौर में, मोबाइल लैपटॉप और ये सारी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सारा कुछ आप जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि बिल्डिंग कितनी पुरानी थी, उस बिल्डिंग में आप किसी भी फ्लोर पे चल रहे हो तो वो बिल्डिंग ऐसे लगता था जैसे अभी कोलैप्स कर जाएगी, और उसको 20-30 साल पहले गिरा के दोबारा बना लेना चाहिए था, तो जारी बात है वो नहीं बनी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो वायरिंग का सिस्टम उनका बड़ा खराब था, बहुत पुराना हो चुका था, ठीक है, तो उससे जो है वो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट की वजह से वो पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, और फिर जनाब वो 2-4 दिन उसको आग लगी रही और फिर वो मसले मसाइल हुए, फिर उन्होंने सारी इवैक्यूएट किया, लोगों का करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और कई लोगों ने फिर सुइसाइड भी किए उस वजह से। तो ये पाकिस्तान में तो खैर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अलबत्ता अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें तो बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। आप देखें कि वर्टिकल एक्सपेंशन से बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंट्रीज हैं जिन्होंने डेवलपमेंट को अचीव किया है, में चाइना है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। लिंक भेजता हूँ, ये सेशन हमारा एंड होने वाला है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, उसमें जो फर्दर क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं।